अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 5 मरले का एक बहुत ही खूबसूरत घर का विजिट कराएंगे। आप देख सकते हैं बड़ी ही जबरदस्त किस्म का इसके अंदर इंटीरियर का काम हुआ है, जबरदस्त किस्म की फायरप्लेस लगी हुई है, नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका टीवी लाउंज है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना बेसिकली एलईडी रैक बना हुआ है और एलईडी वॉल बनाई हुई है, नेक्स्ट लेवल किस्म का किचन डिजाइन हुआ है, खूबसूरत टाइल वर्क हुआ है, पूरे घर के अंदर नेक्स्ट लेवल लाइटिंग है। ये घर आपका हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए में, यानी कि 2,50,00,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल हाउस। आज हम आपको घर जो है ना वो अंदर से दिखाएंगे और जो ही हम एंटर होते हैं तो आप चेक करें, घर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है आपको। और ये एंटर होते सारी हमारे पास टीवी लाउंज आ गया है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का वाइट टाइल्स हुई हुई है पूरे टीवी लाउंज के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस घर के अंदर एक अच्छी बात यह है कि टीवी लाउंज और जो बेसिकली ड्राइंग रूम है दे आर कम्बाइंड। इसको आप बेसिकली यहाँ से पार्टीशन भी कर सकते हैं, यू कैन पुट अ वुडन पार्टीशन ओवर हेयर एज वेल, बट इसको ओपन स्पेस ही जो है ना वो छोड़ा गया है ताकि इसकी स्पेस जो है वो ज़्यादा बड़ी लगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एलईडी रैक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि डिज़ाइन हुआ है, पूरी वॉल के ऊपर जो है ना बेसिकली टाइल्स लगाई हुई हैं एंड टाइल्स के बीच में आजकल ये जो गोल्डन स्ट्रिप की बाइफरकेशन है दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस। एक खूबसूरत किस्म का एमडीएफ की शीटों से बना हुआ एलईडी रैक भी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। बटरफ्लाई हिंजेस इसके अंदर लगी हुई है बाकायदा एंड दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साथ मैचिंग वॉलपेपर लगा हुआ है, खूबसूरत ग्लोब लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, हैंगिंग लाइट्स ने आपको काफ़ी सारी जगहों पे नज़र आ रही हैं और इधर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक फायरप्लेस बनाई हुई है। देन अगेन यू सी हैंगिंग लाइट्स ओवर हेयर पिक, ठीक है ना। उसके बाद वॉल लाइट्स बहुत प्यारी सी नज़र आ रही हैं, प्रॉपर सेफ्टी ग्रिल्स आपको नज़र आ रही हैं, डबल ग्लेज्ड विंडोज़ इसके अंदर यूज़ की गई हैं। घर के अंदर जितना भी मटेरियल है बहुत ही अच्छा है एंड आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे हमने घर दिखाए हैं लेकिन दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट हाउसेज ऑफ 5 मरला दैट यू कैन बाय इन बहरिया टाउन राइट नाउ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि येलो पाइन वुड का इस्तेमाल हुआ है, बड़े खूबसूरत किस्म के दरवाजे बनाए हुए हैं, चौकाटें जो हैं जिस इस घर के अंदर जो यूज़ हुई हुई हैं वो बेसिकली गैल्वेनाइज स्टील की यूज़ हुई हुई हैं, जितनी भी चौकाटें यूज़ हुई हुई हैं। उसके बाद आप चेक करें कि हम घर के जो किचन है बेसिकली ओपन किचन है बट स्टिल यू कैन क्लोज दैट एज वेल। इसके काउंटर टॉप के ऊपर जो है बेसिकली एक बड़ी खूबसूरत किस्म की स्पायरल के अंदर जो है ना वो ये हैंगिंग लाइट लगी हुई है और हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये मार्बल यूज़ हुआ है। ऊपर स्प्लैश टाइल्स भी जो है देखें बड़ी मैचिंग किस्म की यूज़ हुई हैं और जो कैबिनेट्स हैं ये हैंडल्स वाली कैबिनेट है बड़ी खूबसूरत किस्म की, बटरफ्लाई हिंजेस अंदर प्रॉपर लगी हुई हैं, एमडीएफ लेमिनेटेड बॉर्डर्स वाली ये शीटें लगाई हुई हैं, खूबसूरत किस्म का हमारे पास ये डिज़ाइन है, क्या बात है। आप चेक कर सकते हैं कि ये SHM की जो है बेसिकली हाइड्रोलिक्स जो लगाए हुए हैं ना ये चेक कर रहे हैं आप, ये आपने ये छोड़ा ना तो क्या बात है, वेरी नाइस। नैस गैस का हमारे पास इसके अंदर बेसिकली हुड आ जाता है, फिर स्टोव आ जाता है बड़ा ही ज़बरदस्त और प्यारा किस्म का। आपके पास दो कलर्स की जो बेसिकली बाइफरकेशन की हुई है, बड़े खूबसूरत किस्म के ड्रॉर्स इसके अंदर बनाए हुए हैं, द कैबिनेट्स आर रियली नाइस, ईच एंड एवरीथिंग यू सी इन दिस हाउस इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। ओके, सो बेसिकली द लेआउट ऑफ दिस हाउस इज दैट वी हैव 1 बेडरूम डाउन स्टेयर्स एंड वी हैव 2 बेडरूम अपस्टेयर्स। हमारे पास इधर एक छोटा सा पाउडर रूम है, उसके बाद हमारे पास टीवी लाउंज ड्राइंग रूम इसके साथ अटैच्ड है, वी हैव अ ब्यूटीफुल किचन ओवर हेयर एंड व्हाट डू वी हैव अपस्टेयर्स वी आर गोइंग टू सी ओवर देयर, ठीक है। आप इधर से एंटर हुए, सबसे पहले तो ये देखें कि बड़ा ही 5 मरले के लिहाज से ना स्पेशियस सा कमरा है, खूबसूरत किस्म की वार्डरोब दी हुई है विच इज़ इनसाइड द वॉल, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं बड़ी खूबसूरत कलर्स के अंदर ये वार्डरोब दी हुई है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके हैंडल्स लगाए हुए हैं एंड देन वी हैव अ ब्यूटीफुल वॉल पेपर ऑन दिस वॉल, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का वॉलपेपर लगाया हुआ है और एक बड़ा ही अच्छा वॉशरूम इस लिहाज से कि इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म की ये रोशनदान बना हुआ है जैसे लाइट आएगी थोड़ी सी, आपको पता है लाइट जो है सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी हाउस, घर जो है वो ज़रूरी है कि उसके अंदर जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सनलाइट आ रही हो कहीं ना कहीं से। अच्छी एक्सेसरीज का इस्तेमाल हुआ है, बड़ी खूबसूरत वैनिटी है
ठीक है, इसके अंदर लगी भी आपने बताया प्री फैब्रिकेटेड वैनिटीज़ जो है ना, ये ऑलरेडी बिल्ट इन वैनिटीज़ हैं और ये नीच बनाई गई और उसके अंदर जो है बेसिकली इसको प्लेस किया हुआ है। एंड लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी व्हाट वी हैव ओवर देयर। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर। अच्छा, ये एक छोटा सा हमारे पास पाउडर रूम आ गया सीढ़ियों के नीचे। एंड दिस, ये बेसिकली आप इधर से बाइफरकेशन भी कर सकते हैं और ये ऊपर वाली स्टोरी है। ये हमारे पास एक दरवाज़ा जो है वो आ गया विच लीड्स टूवर्ड्स द एग्जिट। अच्छा जी, इधर से आए, उसके बाद बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना आप चेक कर सकते हैं, ये लोहे कुरानी लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इधर से हम ऊपर आते हैं एंड ये हमारे पास जो स्टेयर्स हैं इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, मेटल रेलिंग है। देन वी हैव दिस टेम्पर्ड ग्लास ओवर हेयर। एंड ये जो नीचे है हमारे पास जो है ना, ये मार्बल की ये लगी हुई है सारी स्टेयर्स। ऊपर वाले पोर्शन के अंदर वी हैव थ्री, ओके वी हैव टू बेडरूम्स एक्चुअली। ठीक है, और एक बड़ा ही छोटा सा ना ओपन किचन आ गया है हमारे पास, बड़ा कंटेम्प्रेरी सा है। एज यू कैन सी, खूबसूरत किस्म का LED रैक डिज़ाइन हुआ हुआ है, वॉलपेपर लगा हुआ है साथ ही, और ये दो कमरे, ओह वेरी नाइस, मैंने देखा ही नहीं, अ ब्यूटीफुल डबल हाइटेड एंट्रेंस। ठीक है, हैंगिंग लाइट्स लगी हुई हैं, खूबसूरत किस्म की सनलाइट आ रही है। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त सीन बना हुआ है, क्या बात है, डबल हाइटेड एंट्रेंस है। दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस, क्या बात है। द चॉइस ऑफ वॉलपेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैंगिंग लाइट्स देखें कितनी खूबसूरत और मॉडर्न किस्म की लगी हुई हैं। वार्डरोब इज इनसाइड द वॉल वंस अगेन। ठीक है, एंड अ ब्यूटिफुल वॉशरूम, क्या बात है, वाइट एंड ब्लैक का ये जो वॉशरूम है, प्रॉपर शॉवर कंपार्टमेंट बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, क्या जबरदस्त वॉल पार्टीशन हुई हुई है, प्रॉपर एक है जो है ना वो वैनिटी इधर डिजाइन हुई हुई है, सीटिंग कैपेसिटी प्रॉपर बनी हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ ब्यूटिफुल बेडरूम। ठीक है, एक और बेडरूम विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द स्ट्रीट। ठीक है, और बहुत ही खुली स्ट्रीट है और पार्क, स्कूल, कॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग इज इन इट्स विसिनिटी। खूबसूरत किस्म का वॉलपेपर लगा हुआ है। ठीक है, वॉकिंग वार्डरोब आ गई हमारे पास इस तरफ और बहुत ही खुला डुल्ला जो है ना आपके पास एक वॉशरूम आ गया। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की टाइलिंग है, स्विचेस अच्छे क्वालिटी के हैं, द डोर्स आर गुड, द लॉक्स आर फाइन, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दिस हाउस। ठीक है, एंड दिस इज द टेरेस ऑफ द हाउस। ओके जनाब, इधर आए, क्या बात है जी। अच्छा, जो घर के अंदर ये छोटी सी बैल्कनी भी दी हुई है ना, आप चेक करें ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ज़बरदस्त किस्म का ये टेम्पर्ड ग्लास इधर लगा हुआ है, शाम को इधर आप बैठें, चाय पिएं, आप देखें कि हम कितनी हाइट के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं। ठीक है, एक हाइटेड लोकेशन है, खूबसूरत किस्म की आबादी है इधर, आसपास घर वगैरह हैं, कोई आइसोलेटेड जगह नहीं है, अ ब्यूटिफुल होम फॉर यू। और बहरिया टाउन की बड़ी ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर है, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमें रابطہ करें, अगर बनवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेना चाहते हैं, वी आर मोर देन अवेलेबल ओवर हियर। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।